नमस्कार द न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों से। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से लगे हुए भैसमा में बुधवार सुबह 4 बजे अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, हरीश की पत्नी सुमित्रा कंवर और 4 साल की बेटी आशी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना को किसने और किस मकसद से अंजाम दिया ये साफ नहीं हो सका है। वहीं एसपी ने कहा कि पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, आज ही खुलासा हो जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम पहुंची हुई है। यह वारदात भौसमा इलाके में रह रहे कंवर परिवार के घर हुई है। जानकारी के मुताबिक कोरबा के कंवर परिवार अब भी सक्रिय तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब तक हुई जाँच में पता चला कि जब हमलावरों ने तीनों की जान ली तो हरीश की माँ वहीं मौजूद थी, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। इसके बाद हमलावर भाग गए। पुलिस ने कंवर परिवार के मकान को घेर लिया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही लाशें अंदर ही पड़ी हुई हैं। अब तक की जांच में ये पाया गया कि सामने आई बातों के हिसाब से सुबह 4 बजे के आसपास हरीश के भाई खेत चले गए थे। कुछ देर बाद मकान में 3 लोग घुस आए। इस वक्त हरीश, उनकी पत्नी और बेटी नींद में थे। हमलावरों ने चाकू और हसिये जैसे धारदार हथियारों से तीनों को कई वार दिए। साथ ही हरीश के चेहरे और शरीर में कई हिस्सों के कटने के निशान भी हैं। तो वहीं चंद मिनटों बाद ही परिवार को खत्म कर बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबरों में फिलहाल के बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज के साथ। नमस्कार।